ये आयत मेरा हौसला है, वह मकाना रब्बुका नसिया, और तेरा रब तुझे भूलने वाला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टार मेरा यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। हमारी सुबह का टाइम हो चुका है और नाश्ता मैंने बना लिया है। मेरा के पापा नाश्ता कर रहे हैं और अवैस जो है नाश्ता कर चुके हैं। लंच मैंने पैक करके दे दिया है और ये ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद ना मेरा के पापा भी निकलेंगे जॉब के लिए। और आज का व्लॉग भी ना मैंने बहुत छोटा सा बनाया है। इसके बाद मैंने व्लॉगिंग दिन से स्टार्ट की, मैंने कोई एक्स्ट्रा वीडियो आज शूट नहीं की और आजकल बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा, मेरा दिल ही नहीं कर रहा है व्लॉगिंग करने का। और ऐसी नेस्ती मारी हुई है ना कि मैं क्या बताऊँ। और दिन से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, चावल मैंने बना लिए थे और यहाँ पर मैंने दिल कलेजी फेफड़ा निकाल कर रखा हुआ है। दाल को मैंने भिगो कर रख दिया था और ये दिल कलेजी फेफड़ा मैं बनाने वाली हूँ। और वैसे भी अभी बकरीद आने वाली है और ये दिल कलेजी फेफड़ा तो आपको खाने को मिलेगा ही, तो मैंने सोचा चलो आपको ये रेसिपी मैं पहले शेयर कर देती हूँ। बट मैं ये थोड़ा सा बना रही हूँ, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। वज़न की अगर बात करूँ तो ये आधा किलो है। और यहाँ पे मैंने दाल को जो सोक किया था ना उसमें लिया है मैंने हल्दी, पिसे मिर्च, टमाटर काट के मैंने लिया है, ठीक है। यहाँ पे प्याज ब्राउन कर रही हूँ। प्याज ब्राउन करने से पहले मैंने डाला इसमें लाल साबित मिर्चें, ज़ीरा और लहसुन, फिर प्याज डालकर मैंने इसे ब्राउन करना है, ठीक है। जब ये ब्राउन हो जाएगा ना, जो दाल हमने रखा है ना टमाटर और मिर्चें डालकर, वो डालकर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद फिर इसमें पानी डालकर इसे गला लेंगे। और ये दाल जो है ना थोड़ा मैं ज़्यादा गला रही हूँ क्योंकि आधी दाल मैं निकाल कर ना फ्रीज करने वाली हूँ, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं ना और गर्मियों में दाल चावल तो मेरे घर में मस्त बनता है। रोटियाँ कम खाई जाती है, मतलब कि सिर्फ सुबह नाश्ते में, और दिन में तो कोई होता भी नहीं है, हम एक टाइम ही खाना खाते हैं। मतलब कि दिन में बच्चे बस रोटियाँ खा लेते हैं, रात में मेरे के पापा और वह जो जॉब से आते तभी हम सब खाना साथ खाते हैं। तो दाल चावल मैंने बना कर रखा होता है और उसके साथ जो सालन मैंने बनाना होता है वो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में रोटी बिल्कुल भी नहीं खाई जाती और मुझसे बनाई भी नहीं जाती। आजकल गर्मी बेइंतहा हो रही है। मैंने दाल को चढ़ा दिया चूल्हे पे, अब क्या करेंगे, पानी चढ़ाया मैंने एक बर्तन में और उस पानी को बॉईल होने देंगे, मतलब गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद जो दिल कलेजी फेफड़ा मैंने वॉश करके रखा था ना वो इसमें शामिल कर देंगे पानी में, गरम पानी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाला है, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और बचिएगा दिल कलेजी फेफड़ा बनाने का मैं बहुत बेहतरीन तरीका आप लोगों को बता रही हूँ, जो कलेजी नहीं भी खाते हैं ना तो वो भी खाएंगे। और पता ही आप लोगों को आजकल मेरा के पापा जॉब से जल्दी आ जाते हैं, तो आज भी वो जल्दी आ गए। मैं किचन में खाना ही बना रही थी, मतलब दाल चावल मैंने बना लिया था, बस कलेजी बनाना बाकी थी। और जो मैंने कलेजी को बॉईल होने के लिए रखा था ना, ये देखिए जो कलेजी बॉईल होने लगा है ना, तो ये जो कलर है ना पानी का बिल्कुल चेंज हो गया, मतलब कि ब्लैक हो गया है। इस तरह आप ये दिल कलेजी फेफड़ा बनाएंगे ना तो जो नहीं खाते वो भी खाएंगे, उसमें जो एक स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये बेस्ट तरीका मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप लोग इस तरह ज़रूर बनाएगा, क्योंकि अभी बकरीद आने वाली, बकरीद में दिल कलेजी आप लोगों को बनाना पड़ेगी और उस तरह आएंगे ना तो आप भी कहेंगे ना कि ये ज़बरदस्त रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की, मतलब कि ये तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। तो इसी तरह आपने इसे 2 दफ़े बॉईल करके निकालना है। तो एक दफ़े ये देखिए अच्छी तरह बॉईल आ गया, तो मैंने क्या किया है कि इसे निकाल लिया है कलेजी को बाहर, दिल कलेजी पेपर को, और पानी को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब पानी में बॉयल आने देंगे, फिर दोबारा से दिल कलेजी पेपर को मैं इसमें शामिल कर दूँगी और एक बॉयल आने दूँगी। जब ये एक बॉयल आ जाएगा अच्छी तरह से, फिर मैं इसे पानी से बाहर निकालूंगी। और कलेजी को मैंने, यानी दिल कलेजी पेपर को मैंने पहले से अच्छे से वॉश किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 बार इसे बॉईल किया है, बस ये लास्ट बार मैंने बॉईल किया है। इसके बाद इसे रख देंगे साइड में, जब दाल मेरी बन जाएगी ना फिर मैं कुकर में ही इसे बनाऊंगी। आप चाहे तो इसे कढ़ाई या पतीले में भी बना सकते हैं, मुझे जल्दी बनाना है क्योंकि लेट हो चुका है और इसलिए मैंने कुकर का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। और वैसे भी कुकर जब मैंने दाल गलने के लिए रखा था ना तो इसका रबर जो है वो ख़राब हो चुका था, मतलब अंदर एयर नहीं बन रहा था, तो मेरा के पापा को मैंने कुकर का लिड लेकर भेज दिया था कि इसके जो आप रबड़ है ना वो लेकर आ जाओ, जो साइडों में रबड़ लगता है, तो वो जब लेकर आए ना तो फिर मैंने कलेजी बनाई है। कलेजी बनाने में ऑलरेडी ऐसे भी लेट हो चुका था, तो फिर यहाँ पर मैंने प्याज ब्राउन किया है। एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने स्लाइस में काट कर ऑयल में डाल दिया था। जब प्याज ब्राउन हो गया ना तो मैंने इसमें कलेजी शामिल कर दी है। उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर दिया है, ठीक है। अब इसे हम 1 से 2 मिनट भुनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भुनेंगे। और भुनने के दौरान ना ये ड्राई होगा, मतलब कि प्याज दोबारा से जल सकता है, तो जब ये अच्छे से 1 से 2 मिनट भुन जाएगा फिर इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी। पानी मैं इसलिए शामिल करूँगी कि इस दौरान मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस डालूंगी। ड्राई स्पाइसेस डालने के दौरान ये प्याज जल भी सकती है, इसलिए मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून इसमें मैंने गर्म मसाला डाला है, नॉर्मल गर्म मसाला, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी का मैंने इसमें शामिल किया है। उसके बाद मैंने इसमें डालना है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से क्या होगा ना कि कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, ये काले नहीं पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉल्ट अपने जायके के मुताबिक डाला है। और ये मुन्ना चुन्ना सा कलेजी हो गया 1/2 किलो, देखिए बॉईल करने के बाद, पकने के बाद ये कितना सा हो गया है। यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना मसालों को। मसालों को मिक्स करने के बाद मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी शामिल कर दिया है।
और लिड लगाकर बस 15 मिनट के लिए इसे सीटी देंगे। 15 मिनट के बाद मैं लिड हटा दूंगी, 15 मिनट में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो 15 मिनट हो गए थे, मैंने सीटी खोल दी है। उसके बाद ये देखिए पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। अगर मैं अभी ये सीटी नहीं खोलती तो ये जल भी सकती थी, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करना है, अच्छे से इसकी भुनाई करना है। इस दौरान आप यहाँ पर टमाटर का इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसमें टमाटर का यूज़ नहीं करूँगी, मैं डालूँगी दही। आप दही भी इसमें डाल सकते हैं और टमाटर का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इससे भी टेस्ट ख़राब नहीं होता है। अगर आप ये दोनों चीज़ नहीं डालेंगे तो भी आपकी कलेजी अच्छी बनेगी, और वैसे भी कुर्बानी की जब आप कलेजी बना रहे होंगे ना तो उसकी तो टेस्ट ही अलग होता है, मतलब जायका ही अलग होता है। अगर आप नमक और कुटी मिर्च डालकर भी बनाएंगे ना जस्ट, तो भी बहुत जायकेदार बनता है। कुर्बानी के गोश्त की और कलेजी की बात ही अलग होती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने दही डाल दिया है, 1 टेबल स्पून भरकर मैंने शामिल किया था। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह भून लेंगे। जब ऑयल सेपरेट होने लगेगा इसमें बारीक कट करके मैंने हरी मिर्च शामिल कर दी है, मिक्स करेंगे। उसके बाद लिड मैं ऑफ कर दूंगी क्योंकि फाइनली हमारी ये कलेजी बन चुकी है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है ना, और खुशबू तो बहुत ही प्यारी आ रही है। तो ये रेसिपी यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। मेरे चैनल पर जो न्यू आए हैं ना तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम सब ने खाना खा लिया था, यहाँ पे चाय चढ़ा दिया था हसनैन ने, और हसनैन ने खाना नहीं खाया था। हसनैन कह रहे थे कि मुझे पापड़ चाहिए, तो मैंने कहा आप खुद फ्राई कर लो, क्योंकि गर्मी इतनी इंतहा की हो रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। मैंने जब खाना बनाया ना तो मेरी तो हालत ही बुरी हो गई थी। तो हसनैन यहाँ पे पापड़ फ्राई कर रहे थे, और यहाँ पे मेरा छोटा सा व्लॉग बिल्कुल एंड होने वाला है। मतलब कि इससे ज़्यादा मैंने व्लॉगिंग नहीं की है आज, बहुत छोटी सी वीडियो मैंने आज बनाई है। आई होप कि मेरा छोटा सा व्लॉग आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।